ये यूक्रेन से सिर्फ 50-75 किलोमीटर दूर है। दुनिया के तुम किसी भी कोने में हो, चाहे कोई भी ऐसी ना वेयर्ड सी ट्रेन में भी कहीं पहुंच जाओ, इंडियन रेस्टोरेंट तो तुम्हें एक ना एक दिख ही जाएगा भाई। कॉरिडोर देखो भाई, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। पर यहाँ पे सिर्फ लड़कियों की पिक्चर है, ये वो बुटीक वाला सिस्टम है मुझे लग रहा है भाई। फ्लावर समझ रहे हो, बट हाँ हर जगह सिर्फ लड़कियों की जगह लड़के कहाँ हैं। तो ये है रूम यार, बहुत ही ब्यूटीफुल है एस्थेटिकली और एकदम क्या ही बोलो यार। एंड दिस इज़ अ 4-स्टार प्रॉपर्टी गाइस, लगता तो काफ़ी 5-स्टार है यार, सुंदर है दिखने में, इट्स वेरी नाइस। और बाहर का व्यू यार कमाल ही है भाई, छोटी सी एक पार्क है, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आगे लेफ्ट में ही फॉरेस्ट हैं सारे भाई। बाथरूम भी यार कमाल बनाया है भैया, सिस्टम तो बहुत ही तगड़ा है। अरे बाप रे बाप, शावर मतलब बेसिक है बट यार काफ़ी अच्छा है। आई थिंक 4-स्टार सर्विसेज तो भाई 5-स्टार जैसी लग रही हैं। 5-स्टार कैसा होगा यहाँ का यार, जाएंगे भाई एक बार आपको दिखाएंगे 5-स्टार भी, कमाल लग रहा है यार, साफ सुथरा है काफ़ी यार। सफाई की चमका ड्रीम सुप्रीम। चलो भाई वही करते हैं जो हर बंदा होटल में आके करता है, बेड का टेस्ट। ओए होए होए होए, अरे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। थोड़ी सी आउटिंग करने आए हैं, थोड़ा एक नए शहर आ गए पोलैंड के। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा, अभी ऑब्वियसली घर में बनाने में बिजी हैं, लेकिन बीच बीच में भाई थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा। तुम भी सोचते हो कि भाई क्या ही रेस्ट ले रहे हो, तुम्हें इतना लंबा टाइम कौन लगाता है। ऐसा सरदर्दियाँ होती हैं भाई, माँ का समय इस काम में। तो आज हम आए हैं, ये भी एक बहुत हिस्टोरिकल सिटी है, इसका नाम है लुबलिन। तो आज आपको लुबलिन सिटी दिखाएंगे, बहुत ओल्ड और हिस्टोरिक सिटी है पोलैंड की, काफ़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। जैसा मैंने कहा कि पोलैंड जो है वहाँ पे काफ़ी किंगडम्स ऑफ यू नो किंगडम हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे बहुत पहले। तो हाँ, इनकी अपनी हेरिटेज और हिस्ट्री है। तो चलो एक्सप्लोर करेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा आपको होटल वगैरह भी दिखा दूँ, तो मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हो गया भाई यहाँ 4-स्टार, तो यार बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का। हाँ सिल्वे जी, अरे क्या कर रही है, रहने दे, यहाँ पे भी बिजलियाँ बंद कर रही है तू यार। पता नहीं मेरे को, सब आई थिंक ऑल ऑफ देम ओपन। सो हाउ आर यू फाइंडिंग द प्लेस, है होटल तो बहुत जहरीला यार। वेरी नाइस, वेरी बिग रूम्स आल्सो, या बिकॉज़ दे लाइक दिस प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग, दे आर लाइक टू होटल्स इन वन बिल्डिंग, या बिकॉज़ दे आर टू डिफरेंट नेम्स। सो ऑन दैट फर्स्ट कॉरिडोर दैट वी वर पासिंग, there is this first hotel, yeah, so that one was cheaper, but I think their rooms are smaller as well. Oh, sonata, wow wow wow. What's the point then to spend money? I could just leave you at home, you could sleep there. By 5 minutes. And you know what will be next? Poop. That's why he was already inspecting the toilet, just to see if the pooping station is good enough for him. Okay, why do you even spend money going outside if all you do is eat, sleep, poop? You can do exactly the same at home for free. Silvia, jab tu kuch bolti nahi hai, when you don't speak a lot, there's so much peace. Have you realized? No. Mazak kar raha hu yaar. Bolti rahe, bolti rahe. Ignore karna seekh liya maine. तो लुबलिन के ओल्ड टाउन में आपका स्वागत है गाइस। लुबलिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द 9th आई थिंक या 8th 9th लार्जेस्ट सिटी है पोलैंड की, बट इट वाज अ वेरी बिग कल्चरल हब बैक इन द डेज। जैसा मैंने बताया आपको कि पोलैंड में बहुत सारे किंगडम्स महाराजा थे, तो पोलैंड का किंगडम बहुत ही मैसिव था। इनफैक्ट जो लुबलिन सिटी है ये यूक्रेन से सिर्फ 50-75 किलोमीटर्स दूर है, और लिथुएनिया के भी बहुत करीब है। ये एक्चुअली एक कॉमनवेल्थ फॉर्म होता था पोलैंड इसका किंगडम का और लिथुएनियन किंगडम का, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट किंगडम्स ऑफ यूरोप। एक अलायंस था ये पोलिश लिथुएनियन 1500
समथिंग आई थिंक 1500s में ये था. तो बहुत ही स्पेशल टाइज हैं पोलैंड के लुथेनिया के. ओह आई थिंक ये है शायद एक पार्ट इस कासल का. ओह वाह दिस लुक्स ब्यूटीफुल यार. कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग है सिलिया. ओह आई थिंक यू हैव दिस शूटिंग स्टफ. ओह कैनन्स यहाँ पे. हाँ मैं समझ रहा पूरा वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला हिसाब है भाई. रियल कैनन्स है भाई ये कैनन के वो. वाह कब का है. हाउ 17th-18th सेंचुरी. बैरल ऑफ द फैल्कनेट कैलिबर 2-3 पाउंडर गन मेटल कास्टिंग. भाई गन मेटल का है यार ये. वाह सो दिस यूज्ड टू बी यूज्ड फॉर अटैकिंग द ओपोनेंट ऑन लैंड और अ शिप. अरे हाउ कूल. पुराने जमाने की मटेरियल ही ऐसा होता था है अभी तक भाई बरकरार है. अभी भी चल जाएगी भाई है गोली वोली अभी भी चल जाएगी भाई कसम से. ये देखो भाई कुआं पुराने जमाने का कुआं. भाई मुझे लग रहा है मैं गेम ऑफ थ्रोन्स में आ गया हूँ. अरे भाई पूरा लकड़ी का मसला. अरे भाई दिस इज ब्यूटीफुल यार. पानी आया आता है इसमें अभी भी. ओ भाई इसमें पानी है अभी भी मुझे लग रहा है. दिख रहा है क्या आपको भाई पानी है अंदर. अरे बाप रे बाप. आई थिंक इंडिया में काफ़ी लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा भाई पोलैंड से हमारा कोई ज़्यादा अच्छा लिंक है नहीं. आई थिंक मेरा चैनल ये है. आवर चैनल इज़ दी ओनली लिंक दैट इंडिया हैज़ टू पोलैंड. बट हाँ यार मतलब यहाँ पे किंगडम्स और रूलर्स इतने रहे हैं और इतना रिच कल्चर रहा है. तो धीरे धीरे एक्सप्लोर तो करेंगे या आपको भी दिखाएंगे. एंड वन डे वी हैव टू गो टू मालबोर्ग. मालबोर्ग इन मालबोर्ग देयर इज लाइक द बिगेस्ट कैसल आई थिंक इन द वर्ल्ड. आई थिंक डेफिनेटली इन द यूरोप बट हां यूरोप का. आई हर्ड इट्स वेरी मैसिव. आई हैव बीन देयर वंस बट आई थिंक आई वाज लाइक अ किड बैक देन सो आई डोंट रिमेंबर मच. समवन वाज टेलिंग मी अबाउट इट एज वेल. हां वी हैव टू गो इट्स क्वाइट फार. या बट वी शुड गो. It's by the sea, so we can spend. Oh, really? Yeah. Castles की भाई locations भी भाई बहुत jerry बनाते हैं भाई लोग. ये hill के ऊपर एकदम overlooking. I think you have to make the castle, you know, the highest point of the city probably. तो हाँ मैंने सुना है उसके बारे में. That's one of the largest castles in the world. तो हाँ explore करेंगे उसको भी. दरवाजे भी अभी भी preserved हैं सारे. Oh damn. अभी थोड़ा सा damaged होंगे तभी इसमें ना थोड़ा सा वो उन्होंने लगाया हुआ है लोहे का. Usually they keep it open है. I think they must be probably very very old. तो अब बिखर ना जाएँ. बट हाँ 14th century समझ रहे हो भाई 14th-15th century के दरवाजे. हम लोग भी इतना लंबा वॉक करके वहाँ तक गए टू सी थिंक कि वहाँ पे अच्छा व्यू होगा. भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई रोड है. सब लोग भी लंबा वॉक लेके वही जा रहे हैं. क्यूरियोसिटी होती है ना सब लोग को देख के कि एवरीवन इज वॉकिंग हम भी चलते हैं. पोलैंड के ट्रेडिशंस को जिंदा रखते हुए यूरोपियन ट्रेडिशंस है. हर जगह आपको आइसक्रीम की दुकान तो दिखेगी दिखेगी. डेडिकेटेड आइसक्रीम शॉप्स हैं सिल्विया. There's only dedicated ice cream shops everywhere. And they are open all year round. हाँ सर्दियाँ भी अभी खत्म हुई हैं. पहले भी शायद ये ओपन ही होंगी. बट क्या बिल्डिंग खरीदी है भाई इन्होंने. अभी रेंट किया कि क्या एकदम समझ रहे हो पुराने जमाने के टावरों के सामने. और आइसक्रीम को पोलैंड में लोदे कहते हैं. हाँ लोदे कहते हैं ना. लोदे ना लोदे. हाँ लोदे कहते हैं भाई आइसक्रीम को. तो तुमने तो खाए होंगे भाई लोदे. तुम तो बहुत खाते होगे लोग. चलो टॉपिक चेंज. पुरानी सड़कें. अरे अरे यार भाई ओल्ड टाउन तो मतलब ओल्ड टाउन ही लग रहा है. और सिल्विया क्या मेंटेनेंस रहती है यार. सब कुछ एकदम वेल मेंटेन्ड. भाई बिल्डिंगें भी एकदम छुई नहीं है. ऐसा लग रहा है वही पुराना टाइम ही है मुझे लग रहा है भाई. इससे फ्रेश क्या हो सकता है भाई. बट कलर वलर दी प्रॉब्ली वुड बी डूइंग इट नो. रिफर्ब कर रहे होंगे ना. दे मस्ट बी रिफर्बिंग इट नो. हाँ डिफरेंट कलर. और पर ऐसा लग रहा है फेक स्टूडियो कोई सेट बनाया हुआ है. ये बहुत ही ना डाइवर्स ओल्ड टाउन है. यहाँ पे बहुत सारे लोग डिफरेंट कल्चर से रहे हैं. कौन कौन. आई थिंक जर्मन्स ग्रीक्स पोलिश भी लिथुएनियंस आयरिश लोग भी यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स आए हैं गए हैं. स्कॉट्स ऑल्सो. हाँ स्कॉटिश लोग भी. तो तभी ना ये बड़ा ही एक डाइवर्स सा टाउन है जहाँ पे आप एक्चुअली ईटरीज ऑल्सो इफ़ यू लुक एट. यहाँ पे भाई आयरिश पब भी दिख रहा है मेरे को. बहुत सारी हाँ डिफरेंट चीज़ें हैं. सो ऑब्वियसली दैट्स बिकॉज कि यहाँ पे वो कल्चर्स रहे हैं. तो आए गए हैं लोग. बहुत सारे जूस भी यहाँ पे रहते थे. इट वॉज एक्चुअली वन ऑफ अ मैसिव एरियाज टू होस्ट जूस. इनके घर यहाँ पे हुआ करते थे. एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आफ्टर दोस ट्रेजिडीज दैट अकर्ड. अब शायद बहुत कम रह गए हैं. बट आई थिंक देर इज़ अ ज्यूइश स्क्वायर ऑल्सो यहाँ पे जो डेडिकेटेड है
जूस के लिए. और दिस इज क्रेजी. ठीक क्या बनाया तार को ना, है मॉडर्न आर्ट कर दिया भैया तार को, टंगी हुई तार को. भाई इतने सारे पब्स हैं यहाँ पे, मतलब आयरिश पब, ये पब, वो पब, तो थोड़ा सा तो बनता है, मतलब ट्रेडिशन है भैया लग रहा है मुझे यहाँ पे, ये पब्स में ये पब कल्चर काफ़ी है. वो देखो भाई ऑथेंटिक पोलिश रेस्टोरेंट. घोड़े का वो जो कैरेज होता है, उस कैरेज वाला जो है उसको दोरोश्का कहते हैं. दिस इज लाइक रेस्टोरेंट्स फ्रॉम 20s एंड 30s. 20s 30s मतलब? यस. 1920s. हां 100 साल पुराना है भाई. हाउ डू यू नो इट्स 100 इयर्स ओल्ड? बहुत क्यूट लग रहा है यार ये, मैं मजाक नहीं कर रहा, इंडियन फूड की खुशबू आ रही है मेरे को. Sylvia, are you smelling Indian food? Yes, I can already see it. कहाँ है? Where? On the right side. ओह वही मैं सोच, भाई देखो भैया तुम कहीं भी हो, है दुनिया के तुम किसी भी कोने में हो, चाहे कोई भी ऐसी ना वेयर्ड सी ट्रेन में भी कहीं पहुंच जाओ, इंडियन रेस्टोरेंट तो तुम्हें एक ना एक दिख ही जाएगा भाई. देखो भाई नमस्ते माले इंदी. अरे भाई ओ भाई गांजा फूक रहा था. ओह भाई क्या ही स्मेल आई है. हाँ भाई ये तो, और सारे इंडियंस अंदर, भाई इंडियंस भी आते हैं लुबलिन भाई, तो बहुत जहर लग रही है जगह यार. दबदबा तो कर दिया भाई हम लोगों ने, अपनी छोटी सी दुकान कहीं ना कहीं तो खोल ही लेते हैं. आई थिंक दैट्स द कोर्ट हाउस. आई थिंक यहाँ पे मेजर कोर्ट एक था पोलैंड का, तो उससे ना सारा हब यहाँ पे ही चेंज हो गया. जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो जाता है ना एक जगह पे, तो वो जगह काफ़ी यू नो प्रॉस्पर कर जाती है. तो आई थिंक ये वो है, आई एम नॉट श्योर. बट Sylvia यार इट्स सो ब्यूटीफुल है, लुक एट दिस ओल्ड टाउन. यार ओल्ड टाउन तो है ही नहीं, ये न्यू टाउन लग रहा है भाई. Yeah. I think this you find everywhere in Poland, na? This yeah, different colors. See, like it says the story. Can you see on your phone? हाँ ये जो prints लगे हुए हैं ना इसपे. Yeah, हाँ. Like they're sitting and yeah. doing some business probably. Yeah. Poland में एक और चीज आपको बहुत ज्यादा दिखेंगी, वो है pharmacies. टीवी पे भी बस यू नो दवाइयों के एड्स आते हैं, तो जो फार्मेसी है उसको पोलैंड में अप्टेका कहते हैं. तो ये आप हर जगह देखोगे बड़ी बड़ी फार्मेसीज. एंड लाइक एनी अदर ओल्ड टाउन, ये रहा लुबलिन का घंटा घर. जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ भाई, ऐसी हिस्टोरिक चीज़ें जब भी मैं देखता हूँ यार, मैं एकदम ना चला जाता हूँ भाई पुराने टाइम में, उस फील करता हूँ कि यार लोग कैसे होंगे, यू नो कपड़ों दूसरे टाइप के कपड़े होते होंगे यहाँ पे, समझ रहे हो, वो थॉमस शेल्बी वाले टाइप के कपड़े. ये तो गेट है एक्चुअली, आई थिंक दिस वॉज, इज दिस इज क्रैक ऑफ गेट. आई थिंक एक बहुत फेमस गेट है जो सबको ना कनेक्ट करता था. ये देख ये दरवाजे का ही है, दिस इज लाइक अ दरवाजा. ओह डैम लुक हाउ, Sylvia देख ऊपर देख. ओह या आई थिंक दिस इज दिस क्रैक ऑफ गेट ना, व्हाट इज इट कॉल्ड, है ना, हाँ क्रैक ऑफ गेट. तुम्हारा भाई पढ़ता है भाई ये चीजें, जैसा नाम सजेस्ट करता है क्रैक ऑफ गेट, इसीलिए बिकॉज दिस मार्क्ड द फर्स्ट इनिशिएशन ऑफ यू नो द रोड दैट वाज लीडिंग टू क्रैक ऑफ, वो पुराने जमाने में तो काफी फैंसी हुआ. उस क्रैक ऑफ तो ऑब्वियसली हमेशा से ही बहुत फेमस हब था, तो दिस मार्क्ड एज यू नो द मेन, यहीं से स्टार्ट हुआ बेसिकली रोड क्रैक ऑफ के लिए. ये यहाँ की जो म्यूनसिपालिटी है, काउंसिल है, उसकी बिल्डिंग है, मतलब अभी रियल वाली पुरानी, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये भी, बट अभी मतलब एक्टिव बिल्डिंग है, यहीं पे काम होता है सारा. प्यारी है यार जगह, है प्यारी जगह, इसलिए है हर जगह ही प्यारी है यार पोलैंड में. अगर कॉन्टेंट इन्जॉय कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर पसंद आ रहा है ये सिस्टम और ये सिस्टम और चीज़ें जानना चाहते हो यूरोपियन हिस्ट्री पोलिश हिस्ट्री के ऊपर, तो बताना भाई. और जहाँ इंडियन खाना वहाँ पे टर्किश कबाब की दुकानें तो होंगी, लेकिन ये नाम इंडियन लग रहा है यार, दोस्ताना कबाब. दोस्ताना यार कुछ और भी हो सकता है, आई थिंक पर्शियन वर्जन भी हो सकता है शायद, बट मोस्टली कबाब की दुकानें सारी टर्किश ही होती हैं यूरोप में, हमारा वाला कबाब नहीं होता भाई इनका. वो जो लिखा हुआ ना, आई थिंक पिलारनिया वोदकी ई पीवा, मतलब दिस इज़ द प्लेस टू ड्रिंक वोडका एंड बियर. क्या ही नाम है भाई दुकान का, वाह. पर सामने कबाब है, दारू की नशेपट्टू नोके आगे कबाब का हो भाई, क्या वाइब है भाई ये जगह की. जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ज्यूइश इन्फ्लुएंस भी है, तो आपको ज्यूइश रेस्टोरेंट्स भी दिखेंगे. सो दिस इज़ अ ज्यूइश रेस्टोरेंट, जाएंगे कभी यार, आपको पूरा टूर कराएंगे. यहाँ पे ज्यूइश हेरिटेज भी बहुत है, देख रहे हैं ना वो शायद इनकी प्रेयर्स के लिए वो यूज़ होता है. हर बिल्डिंग में यार आर्ट ही आर्ट है भाई, ये देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल
यू नो वे देखो ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनकी, शायद वो बिल्डिंग का वो विंडोज़ थी एंड दे जस्ट पुट दिस ब्लैक एंड वाइट आर्ट. कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये. रास्ते पे चलते हुए आपको लुबलिन में ये बहुत दिखेंगे. ये यहाँ के आई डोंट नो सम ऑफिशियल बर्ड है, कुछ बर्ड है कि क्या है. लकी. अच्छा अगर ये इसको फोन को टच करोगे तो भैया हैप्पीनेस. यहाँ पे बहुत रिच वो है ना, ऐसे सुपरस्टिशंस भी हैं बहुत कि इसको टच करोगे तो भाई आपको लक मिलेगा. तो आई डोंट नो ये बकरे जैसा लग रहा है कुछ, है ना. दिस लुक्स लाइक अ गोट नो. हाँ पैर देखो, पैर तो बकरे जैसे हैं भाई पूरे. तो चलो गाइज ऑन दैट नोट आई होप कि आपको आज का छोटा सा एक व्लॉग अच्छा लगा. अभी वी विल बी एक्सप्लोरिंग मोर लुबलिन, दिखाएंगे आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ही सैड चीज़ें भी हैं. वी विल ट्राई टू शो यू दैट बिकॉज हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक आई सेड. तो हाँ चैनल पे नए हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. और क्या ही बोलूँ यार, आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, वेदर बिकेम रियली नाइस एज वेल. तो मज़ा आ रहा है भाई, ठंड है हल्की सी और धूप भी चल रही है. तो हाँ इट्स ब्यूटीफुल. ओ गुड़िया के बाल, यू हैव कॉटन कैंडी? चलो भैया पानी पानी. No, I wanted to have like this winter tea. Winter so, tea? Yeah, so they have them with like some, you know, like orange inside. दुनिया में कहीं पे भी हो भैया मसाला टी अपनी वही वही दुकान पे भीड़ देखो कितनी लगी हुई है. चलो भैया भटक रहे हैं हम लोग. चलो हाँ डोनट पे तो हैवी दुकान पे वो रहता है. चलो भैया खाने का ना वो अलार्म हो गया लग रहा है पेट में. तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नए ब्लॉग पे. गुड बाय फ्रॉम मेरी वन सिल्विया. गुड बाय.